Hello and a very warm welcome. I hope you people are doing very well in your own realm. So we were discussing the Stone Age, in which we have discussed till the question number 56. Now onward, next is a 57th question. तो इसमें मैचिंग करना है व्रीही मुद्गा यवा एंड इक्षु. तो ये किससे रिलेटेड है? तो आंसर देखते हैं. ये RAS में आया है 2021 में. तो इसके ऑप्शंस हैं सुगर केन, राइस, मूंग बीन या फिर मिलेट. तो जो व्रीही है, व्रीही राइस को कहते हैं, मुद्गा मूंग बीन, यवा मीन्स मिलेट एंड इक्षु मीन्स सुगर केन. नेक्स्ट, द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन. तो जो पानी मेंशन्ड है ऋग्वेदिक लिटरेचर में, तो उसका क्या मतलब है? तो पानी ट्रेडर्स को कहा जाता था. पानी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वर अ क्लास ऑफ ट्रेडर्स और वैश्यास. नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रीवेलेंट इन द वैदिक एरा वाज. ऑप्शंस आर ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और डिसेंडेंट मोनार्की. सो डिसेंडेंट मोनार्की विल बी द आंसर. मोस्ट पॉपुलर एंड प्रीवेलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा वाज डिसेंडेंट मोनार्की. डिसेंडेंट मोनार्की मतलब जेनेटिक डिसेंडेंट्स rule one after one. So although some examples of election by the people were also found, but the general interest of the public was towards monarchy. तो monarchy चलती थी, autocratic नहीं था. कभी कभी जो है elections भी होते थे और लोगों की बात भी सुनी जाती थी. तो autocratic तो नहीं था और totally democratic भी नहीं था, monarchy थी. रिपब्लिक भी नहीं था, ये डिसेंडेंट मोनार्की थी. नेक्स्ट, सभा ऑफ वैदिक एरा. ऑप्शंस आर सभा क्या थी? तो इट वाज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मर्केंटाइल पीपल ऑफ द विलेजेस. तो सभा एक इंस्टीट्यूशन थी मर्केंटाइल विलेजर्स की, या फिर वाज अ रॉयल कोर्ट, और द सभा वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The Sabha was National Assembly of the all the people of the state. So option C hai iska answer. Sabha was Council of Ministers. During the Vedic era, the two institutions, namely Sabha and Samiti, have been mentioned as the controlling powers upon the autocracy of the king. The Sabha was the assembly of the learned and elite ones, while the Samiti was the assembly of common people in the state. तो समिति जो थी वो common people की assembly थी, and जो सभा थी वो elite people की थी, या फिर कहें कि ministers की assembly होती थी. तो इसीलिए ऊपर वाले question में autocratic governance नहीं कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सभा थी, ministries थी और समिति भी थी specially, जिसमें common people पार्टिसिपेट करते थे और उनकी बात भी सुनी जाती थी. सो दैट इज़ वाई वैदिक गवर्नेंस ऑफ वैदिक एरा वॉज नॉट एन ऑटोक्रेटिक. नेक्स्ट, द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शंस वॉज सभा, समिति, विधाता और ऑल ऑफ दीज. सो ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली सभा होती थी. Several tribal or the clan-based assemblies such as Sabha, Samiti, Vidhata are mentioned in the Rig Veda. Among them, Sabha was associated with the judicial function. जिसमें judicial function पूछा है, तो Sabha judicial function से associated थी. Among them, Sabha was associated with the judicial function. Sabha is mentioned 8 times in Rig Veda. Sabha and Samiti are mentioned as two daughters of Prajapati in Atharva Veda. तो Atharva Veda में कहा गया है कि प्रजापति की दो डॉटर्स सभा और समितियां हैं, समिति हैं. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज द टू डॉटर ऑफ प्रजापति. तो ये है अथर्ववेदा. द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सभा एंड समिति कैन नॉट बी मेड बट
It is clear that Sabha and Samiti were clearly mentioned in Atharvaveda as the two daughters of Prajapati. Next, Ayurveda, that is the science of life, appeared first in Aranyaka, Samveda, Yajurveda or the Atharvaveda. So, science of life Atharvaveda mein mention hai, jisme clinical functions bhi hain mention aur medicines bhi isi mein mention hai. तो आयुर्वेदा दैट इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ अपियर्ड फर्स्ट इन अथर्ववेदा. आयुर्वेदा इज़ एन उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा. इट डिस्क्राइब्स द थॉट्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ कॉमन पीपल. इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस कंटेंट्स सच एज डिजीज प्रिवेंशन कोऑर्डिनेशन लॉयल्टी मैरिज एंड लव पोएट्रीज. नेक्स्ट है ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज पॉलीथिस्टिक मोनोथिस्टिक मोनिस्टिक या फिर लिबर्टेरियन. तो पॉलीथिस्टिक मीन्स द रिलीजन दैट वर्शिप मोर देन वन गॉड. तो किसी रिलीजन में अगर एक से ज़्यादा गॉड की पूजा की जा रही है तो वो पॉलीथिस्टिक रिलीजन है. मोनोथिस्टिक मतलब किसी एक गॉड की. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. The most interesting aspect of Rigvedic religion was its polytheistic character in which a number of gods were worshipped. The Rigvedic Aryans worshipped nature with intense feeling and endowed it with animated soul. Vedic gods were mainly classified into three groups: god of sky, Varuna, Mitra, Surya, Vishnu, etc. God of space, Indra, Rudra. रुद्र शिव को माना जाता है. और थर्ड है गॉड ऑफ अर्थ अग्नि बृहस्पति सोम एटसेट्रा. वेन एवर दीज वेदिक सेंट वर्शिप एनी गॉड दे कंसिडर हिम टू बी द सुप्रीम गॉड. दिस इज नोन एज एकैक्यवाद. एल्स देन दिस इन ऋग्वेदा एकेश्वरवाद इज सपोर्टेड बाय सेइंग एकम सत विप्र बहुधा बदंती. एकेश्वरवाद ऑफ ऋग्वेदा इंक्लूडेड विजन ऑफ अद्वैतवाद सर्वदेवतावाद एंड बहुदेवतावाद. बट द कंसेप्ट ऑफ वन सुप्रीम गॉड ऑफ वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न ईश्वरवाद. नेक्स्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू अग्नि इंद्र रुद्र और विष्णु. तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स इज डिवोटेड टू गॉड इंद्र. इंद्र हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट पावरफुल डीटी इन द ऋग्वेदा. इंद्र इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटी डिवाइनिटी इन द ऋग्वेदा. अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदा हाइम्स एज मैक्सिमम एज 250 हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम फॉलोड बाय अग्नि. सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए हैं हाइम्स अराउंड 250 एंड देन अग्नि के हाइम्स मिले हैं ऋग्वेदा में. नेक्स्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदिक बिलोंग्स टू इंद्र. इसमें इंद्र ऑप्शन नहीं है तो अग्नि होगा. नेक्स्ट सो ये 2002 में पूछा गया था फिर रिपीट हुआ है एक तरह से 2010 में. Next, who among the following was the most popular god of the early Vedic Aryans? The early Vedic Aryans ke liye popular god Indra the. Who among the following is regarded as war god in the Rig Veda? The war god Indra ko mante hain. In the Rig Veda, a maximum number of hymns are devoted to the god Indra. He was the storm god. And referred to as the sky god and god of war. The Vedas describe Indra as the god who wields the thunderbolt. Next, who of the following gods was considered as a war god in the Vedic literature? So, ye Indra hai. Next, study of the following about the Vedic god Indra and select the correct answer from the quotes. So
वॉज द गॉड ऑफ थंडर, तो जो इंद्र है, इंद्र वॉज द गॉड ऑफ थंडर, सो येस. एंड इंद्र पनिश्ड द सिनर्स. नेक्स्ट वॉज द, तो इंद्र वॉज द गार्जियन ऑफ द मोरल ऑर्डर. इंद्र वॉज द गॉड ऑफ रेन. तो ऑप्शन वन ठीक है और ऑप्शन फोर्थ ठीक है. एंड ये जो पनिश्ड द सिनर्स, तो इसका भी मेंशन मिला है बट ऑप्शन में ये है नहीं. वन टू एंड फोर, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर वन एंड फोर ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी. वेल, माइथोलॉजिकली द गॉड शनि असाइंड टू पनिश द सिनर्स, बट यहाँ पे ऋग्वेदा की बात चल रही है और इंद्र की बात चल रही है. शनि कहीं भी मेंशन नहीं है, ये मैंने मिथिकल थिंग बताई है. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट 71, 800 बीसी टू 600 बीसी इज रिलेटेड टू विच एरा. तो ये ब्राह्मणिकल एरा था. 800 BC to 600 BC is related to Brahmin era, often period during 7th century BCE to 3rd century BC is called Sutra period. तो जो 600 के बाद है, 600 BC के बाद, उसको Sutra period बोलते हैं या फिर Sutra era. Next, Gayatri Mantra is found in which book? तो Gayatri Mantra मिला है हमें Rigveda से ही. गायत्री मंत्र वॉज फर्स्ट रिटन इन संस्कृत इन द ऋग्वेदा बाय द ब्रह्मश्री विश्वामित्र. तो ये संस्कृत में लिखा गया है ब्रह्मश्री विश्वामित्र के द्वारा. इट्स मीनिंग इज मे द ऑल माइटी गॉड इल्यूमिनेट आर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलॉन्ग द राइटियस पाथ. तो गायत्री मंत्र वही है, ओम भूर्भुवस्वः वाला. तो इसका मतलब भी जानना जरूरी है हमें कि मे The Almighty God illuminate our intellect to lead us along the righteous path. तो ये उसका मतलब होता है उस मंत्र का. Next, next is the mantra famous with the name of Gayatri Mantra found in which of the following scriptures? तो ये ऋग्वेदा से मिला है. Option C will be answer. Next. Who composed the Gayatri Mantra? तो अभी देखा था विश्वामित्र. Next, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मानवतंत्र एंड वंशनुचरिता आर द इंडिकेटर्स ऑफ. ऑप्शंस आर वेदास, पुराणास, उपनिषद्स और सूत्रास. तो ये जो सर्ग प्रतिसर्ग वंश मानवतंत्र, ये सब इंडिकेटर हैं पुराणास के. तो पुराणास हैव फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सर्ग प्रतिसर्ग वंश मानवंतरा एंड वंशनुचरिता. एमंग दीज, सर्ग एंड प्रतिसर्ग आर द नेचुरल क्रिएशन एंड रिनोवेशन वाइल वंशा मीन्स द हिस्ट्री ऑफ सेज एंड गॉड. मनवंतरा इज मीन्ड फॉर द पीरियड ऑफ डिफरेंट मानुस एंड वंशानुचरित मीन्स जीनियोलॉजी ऑफ किंग्स, यानी कि वंश की बात कर रहे हैं ये, क्लैंस की. तो ये सब पुराना में है. द नंबर ऑफ पुराणास इज 18. तो पुराणास आर द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म. देर आर 18 पुराणास, नेमली मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामना पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारदा पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ा पुराण, स्कंद पुराण, क्रुमा पुराण. आउट ऑफ दीज 18 पुराणास, श्रीमद् भागवतम इज कंसिडर्ड एज द क्राउन जेल ऑफ द वैदिक लिटरेचर. तो जो भागवत गीता है उसको क्राउन ज्वेल माना जाता है. नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन.
तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ऑफन रेफर्ड इन शॉर्ट एज गीता। देर आर 700 वर्सेज इन दिस हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। तो इसमें 700 वर्सेज हैं। यहाँ पे वर्सेस का मतलब होता है एक स्टेंजा, या फिर बोले कि पैरा, एक पैरा। तो महाभारत में 700 वर्सेस हैं। नेक्स्ट, ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज, तो पहले महाभारत को किस नाम से जाना जाता था, तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था पहले महाभारत को। महाभारत ओरिजिनली हैड ओनली 8,800 श्लोकास एंड इट्स ओरिजिनल नेम वॉज जया और जया संहिता। महाभारत टुडे हैज़ 1,00,000 श्लोकास एंड इज बिलीव्ड टू बी रिटन बाय सेज वेदा व्यास। तो वेद व्यास जी के द्वारा ये लिखा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट, शत सहर्षि संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो महाभारत का ही निक नेम है शत सहर्षि संहिता। नेक्स्ट, इन महाभारत बाय व्हाट नेम वर द कुनिंदा किंग्स नोन। तो कुनिंदा किंग्स किस नाम से जाने जाते थे, तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। कुनिंदा किंग्स इन महाभारत वर नोन बाय द नेम ऑफ द्विज श्रेष्ठ। दे आर मेंशन इन सभा पर्वा ऑफ महाभारत चैप्टर 51 पार्ट 1। इन दिस दे हैड बीन एड्रेस्ड एज चीफ अमंग द्विज। द्विजेस वैश्य वर्ण के लोगों को बोला जाता था। तो ये जो किंग्स हैं ये चीफ अमंग द्विज हैं, कुनिंदा किंग्स। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशन। तो ऑप्शंस हैं कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो इसका आंसर है वासुकी। द सर्पेंट दैट अबाइड्स ऑन द शिवाज नेक। तो उस सर्पेंट का नाम है वासुकी। तो जब ये चर्निंग द ओशन, मतलब जो समुद्र मंथन के टाइम पे जो सांप दिखाया जाता है, सर्प दिखाया जाता है, वो वासुकी होता है। सो दिस वासुकी सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर द चर्निंग ऑफ द ओशन। तो चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क वॉज एन एलेबोरेट प्रोसेस। माउंट मंदारा या फिर मंदर पर्वत वॉज यूज एज अ चर्निंग रॉड एंड वासुकी। द किंग ऑफ सर्पेंट हु अबाइड्स ऑन शिवाज नेक बिकम द चर्निंग रोप। तो ये जो मंदर पर्वत है ये एज अ रॉड और वासुकी है एज अ रोप ऑफर किए गए थे टू देवास एंड असुराज। नाउ नेक्स्ट इज, इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली। तो ये ऋग्वेदिक फेज, लेटर वैदिक फेज, लेटर गुप्ता फेज या फिर धर्मशास्त्र फेज। तो अनटचेबिलिटी क्लियरली देखने को मिलती है धर्मशास्त्र फेज में। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी अज्यूम्ड डिफाइंड डेफिनेट शेप इन द क्लियरली क्रिश्चियन एरा विच वॉज द पीरियड नोन एज द एरा ऑफ धर्मशास्त्र इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज ऑन असेंडेंस। वेरियस स्क्रिप्चर्स वर बींग रिटन एंड द सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर प्रैक्टिस strictly and untouchability was one of them. Now next is, from which Upanishad the words Satyamev Jayate have been taken. तो ये मंडूकोपनिषद
कठोपनिषद या फिर छंदोग्योपनिषद या फिर नन ऑफ द अबव। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें लिखा है मुंडकोपनिषद, तो इसलिए ये नन ऑफ दीज है। द वर्ड्स ऑफ सत्यमेव जयते इन संस्कृत वर टेकन फ्रॉम द मुंडकोपनिषद एंड नॉट फ्रॉम मंडकोपनिषद। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। इट इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्ट एट द बेस ऑफ द नेशनल एम्बलम। ऑन January 26, 1950 इट वॉज अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल एम्बलम भी है। सो सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, मतलब कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन? तो मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते विच इज एनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी। द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्लिंगा ज्योतिर्गमया, अच्छा तमसोमा ज्योतिर्गमया वॉज ओरिजिनली मैंशनड इन। तो ये स्टेटमेंट किस में मैंशनड है? ये उपनिषद्स में मैंशन है। द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गमय इज ओरिजिनली मैंशनड इन बृहदारण्यका उपनिषद। This statement means lead us from darkness to light or lead us from ignorance to truth. तो तमसोमा ज्योतिर्गमय lead us to light from darkness. Next, the legend of a Satyakam Jabal which challenges the stigma of being an unmarried mother is mentioned in. तो ऑप्शन आर जबल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या फिर कठोपनिषद। तो ये मेंशन है छंदोग्य उपनिषद में। सत्यकामा जबल वॉज द सन ऑफ एन अनमैरिड दासी जबल एंड ही हैव वेरी कीन इंटरेस्ट टू स्टडीज and to search the truth. That's why he is called legend. So Satyakama Jabal as a boy and a later Vedic sage, तो ये sage भी बने थे बाद में after attaining the knowledge, who first appeared in chapter 4 of ancient Hindu text, the Chandogya Upanishad, challenged the stigma of an unmarried mother. तो इनके बारे में छंदोग्य उपनिषद में मेंशन है, जबल उपनिषद में नहीं है। नेक्स्ट, द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स? तो वाइट हॉर्स कथोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ईशोपनिषद या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज इज इसका आंसर। नन ऑफ द उपनिषद इन द गिवन ऑप्शंस लिटरली मीन्स वाइट हॉर्स। श्वेत स्वत्रा उपनिषद इज एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट एम्बेडेड इन द यजुर्वेदा। सो श्वेत स्वत्रा लिटरली मीन्स कैरिड ऑन अ वाइट हॉर्स। श्वेत स्वत्रा फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वॉज। तो ऋग्वेदा का फंडामेंटल एंड बेसिक स्क्रिप्ट क्या है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, तो संस्कृत लैंग्वेज की स्क्रिप्ट ब्राह्मी है जिसमें लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वॉज ब्राह्मी। द वर्क ऑन अ स्क्रिप्ट और भाषा इज सेट टू हैव बीन स्टार्टेड बाय ब्रह्मा 4000 ऑफ ईयर्स। द स्क्रिप्ट वॉज नोन आफ्टर हिम एज अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। The Rigveda is divided into 10 mandal, 1028 sukta and 10,552 mantras. According to Patanjali, there are 21 branches of Rigveda. The priest of Rigveda were called Hota.
तो जो ऋग्वेद में प्रीस्ट्स होते थे उनको होता बोला जाता था, प्रीस्ट यानी कि जो यज्ञ कराते थे, रिचुअल्स फॉलो करवाते थे, वो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी या पंडित। नेक्स्ट इज इन द वैदिक रिचुअल होता इज एसोसिएटेड विद द ऋग्वेद, देख लिया हमने। देर इज अ सिमिलैरिटी इन अवेस्ता एंड द ऋग्वेद फ्रॉम विच रीजन ऑफ द अवेस्ता इज रिलेटेड। तो अवेस्ता ईरान का सेक्रेट टेक्स्ट है। तो अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन गिवन अबाउट द आर्यंस, द इंडो ईरानियन ग्रुप हुज मेंबर्स कंपोज्ड द ज़ोरोएस्ट्रियन स्क्रिप्चर्स, द अवेस्ता एंड द हिंदू स्क्रिप्चर्स सच एज द वेदास कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यन। तो जो अवेस्ता के लोग हैं, अवेस्ता जिनका सेक्रेट टेक्स्ट है, वो लोग भी आर्यंस ही हैं। सो इट इज़ क्लियर दैट इन द वैदिक पीरियड इट वॉज द रीजन ऑफ प्रेजेंट द ईरान वेर द ज़ोरोएस्ट्रियन प्रिवेल्ड एंड अवेस्ता वॉज रिटन बाय ज़ोरोएस्ट्रियंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज अगण्य ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो अगण्य किसे कहते थे? तो अगण्य काउ को कहते थे। इट वॉज द काउ विच वॉज कंसिडर्ड एज अगण्य ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अगण्य मीन्स नॉट वर्दी ऑफ बींग किल्ड। तो जिन्हें जिसे मारा नहीं जाए वो अगण्य है। दिस स्टेटस ऑफ द काउ शोज हाउ पायस इट वॉज कंसिडर्ड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। नेक्स्ट, अगण्य इन ऋग्वेद इज मैंशनड फॉर काउ। नेक्स्ट, the name Agarnya mentioned in many passages of the Rig Veda refers to what? So it refers to cow. Next, in the early Rig Vedic period, what was considered to be the most valuable property? I'm sorry. So most valuable property cow होती थी। हमने ये सुना है कि पहले जो war होते थे उसको गोविस्टी या गविस्टी बोलते थे। गविस्टी मतलब कि वॉर, दैट इज फॉट फॉर काउस। सो इसका आंसर है काउ। कैटल ब्रीडिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हमने देखा भी था कि वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में लोग पैस्टरलिस्ट थे। सो कैटल ब्रीडिंग was the most important economic activity of the Rigvedic people. Prayers were offered to increase the number of cattle. It was a medium of exchange. A cow is considered as a deity in some sukta of Rigveda. तो जो पूजा की जाती थी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में cattle को रखने की, जैसे कि आज हम पूजा worship करते हैं कुछ मांगने के लिए, वैसे ही ये लोग पूजा किया करते थे कैटल्स को मांगने के लिए भगवान से। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रित मीन्स व्हाट? तो रित है नेचुरल लॉ, रीति। एंशिएंट टाइम्स में ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, रीति। तो रित नेचुरल लॉ है ये। द कंसेप्ट ऑफ रित, the universal principle of natural order, it is of Vedic origin. So the writ has been the basis of Indian culture, legal theory, politics and philosophy. God Varuna was supposed to uphold writ or the natural order, that is why he was called the writ Syagopa. Next, in the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other three? तो इसमें odd choose करना है, कुला, वंश, होसा या फिर गोत्र। तो कुल, वंश, गोत्र ये related है एक दूसरे से, तो answer इसका C हो जाएगा, कोसा। In the context of ancient Indian society, वंश, गोत्र and कुला are the words associated with the family system, but the word kosa is related to treasury. तो कोश जो आज बोलते हैं वो treasury, ये अलग word है। बाकी ये तीनों एक society के से related है, family system से related है, वंश, कुल एंड गोत्र।
नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ संस्कारज. तो 16 संस्कारज हैं. देर आर टोटल ऑफ 16 संस्कारज दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड. 3 आर परफॉर्म्ड बिफोर बर्थ, 12 ड्यूरिंग लाइफ एंड 1 आफ्टर डेथ. इट सीम्स दैट उपनयन संस्कार इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली परफॉर्म्ड बिसाइड्स ऑफ कोर्स द वेडिंग सेरेमनी एंड रिचुअल्स आफ्टर डेथ. तो कुछ संस्कार होते हैं जैसे कि ऑन बर्थ, ऑन डेथ, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज. तो ये सारे कुछ संस्कार हैं, रिचुअल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं. नेक्स्ट, गंगा दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एंड डे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर. तो गंगा दशहरा कब आता है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है 2019 में. तो ऑप्शंस है 10th ब्राइट लोनार डे ऑफ ज्येष्ठ, 10th ब्राइट लोनार डे ऑफ चैत्र, अश्विन या फिर माघ. तो ज्येष्ठ में आता है ये गंगा दशहरा. सो गंगा दशहरा ऑल्सो नोन एज गंगा वतरन इज अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द अवतारना मतलब डिसेंट ऑफ द गंगाज. It is believed by Hindus that the holy river Ganga descends from heaven to earth on this day. To heaven se earth pe aati hai Ganga ji. Ganga Dashahara takes place on Dashmi of the waxing moon Shukla Paksha of the Hindu calendar month Jyeshtha. The festival celebration lasts 10 days preceding this holy day. Next, the teacher who taught Vedanga for livelihood was called Acharya, Advaryu, Upadhyay या फिर Purohita. तो जो उपाध्याय होते हैं they were teaching for livelihood. उपाध्याय was the one who adopt teaching as a profession to earn his livelihood and taught only a portion of Veda or Vedangas. Next, with reference to difference between the culture of Rigvedic Islands and Indus Valley people, which of the following statement is are correct? So, options. Rigvedic Islands used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. The coat of mail and helmet jo वॉर के टाइम पे ये लोग लोहे जैसा एक कोट जैसा कुछ पहनते थे वही है. और आईबीसी के लोग नहीं यूज़ करते थे क्योंकि इसके एविडेंस नहीं मिले हैं हमें. तो ये ठीक है ऑप्शन वन. नेक्स्ट इज ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेर एज द आईबीसी पीपल न्यू ओनली द कॉपर एंड आयरन. सो नो दे वर नॉट नोन द आयरन. इंडस वैली पीपल did not know the iron. Next is Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. So मैंने ये पहले भी बताया है कि horse के proper evidences नहीं मिले हैं, but सिर्फ एक जगह से हमें horse का एक bone मिला है. जैसे हम ये conclude कभी नहीं कर सकते कि Indus Valley के लोग हॉर्स यूज़ किया करते थे या फिर जानते थे. सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन वन ठीक था, ऑप्शन सेकंड गलत है, ऑप्शन थ्री ये ठीक है, वन एंड थ्री हो सकता है. अच्छा तो इन्होंने थ्री को नहीं माना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. अब यूपीएससी ने इसको सही माना है तो ये सही ही होगा. बाकी हमें ये पता है कि एविडेंसेस प्रॉपर एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं, एक ही जगह से मिला है तो कहीं ना कहीं ये लोग अवेयर होंगे. हो सकता है कि ट्रेडिंग उस टाइम पे चलती थी, हो सकता है कि कोई बाहर से हॉर्स आया हो किसी दूसरे सिविलाइजेशन से तो उन लोगों ने देखा हो तो वो अवेयर रहेंगे.
ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आंसर इसको इन्होंने गलत माना है। तो इनका ये कहने का मतलब है कि द इंडस वैली पीपल वर अवेयर ऑफ हॉर्स। तो ऑप्शन टू एंड थ्री बोथ विल बी इनकरेक्ट एंड ऑप्शन वन विल बी करेक्ट। लेट सी द एक्सप्लेनेशन। अरे ये तो बहुत बड़ा है। वेल इट्स द लास्ट क्वेश्चन। सो कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट मेड ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज मेंशन इन ऋग्वेदा। पॉसिबली दे वर यूज इन वॉरफेयर। इंडस वैली पीपल वर लैकिंग इन वेपन्स एंड वर पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। तो IVC के टाइम पे जो रूलिंग क्लास थी वो मर्चेंट्स ही थे, व्यापारी ही थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग वेपन्स। देयरफॉर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ऋग्वेदिक आयरन्स न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर। इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंड नॉट दी आयरन। द यूज ऑफ आयरन स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1000 BC टू 600 BC। देयरफॉर स्टेटमेंट टू इज ऑल्स इज रॉन्ग। एंड ऋग्वेदिक आयरन्स ओड देयर सक्सेस इन इंडिया टू देयर यूज ऑफ हॉर्सेज एंड चैरियट्स। इन रिसेंटली अ साइट कॉल्ड भगवानपुरा हैज़ बीन एक्सक्यूवेटेड इन हरियाणा ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड वेयर हॉर्स बोन हैव ऑल्सो बीन फाउंड। एविडेंस ऑफ हॉर्स कम्स फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो एंड फ्रॉम अ डाउटफुल टेराकोटा फिगर इन। हाँ, एक टेराकोटा का फिगर भी मिला है फ्रॉम लोथल। सो द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकोटदा सिचुएटेड इन वेस्ट गुजरात एंड बिलोंग टू अराउंड 2000 BC। बट द आइडेंटिटी इज स्टिल डाउटफुल। इन एनी केस द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड। द फर्स्ट स्टेटमेंट थ्री इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। सो वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड आवर थर्ड चैप्टर ऑल्सो, दैट वॉज वैदिक एज। सो वी विल कवर बुद्धिज्म इन आर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे एक सिंबल्स देख लीजिए, ये वाला सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इवेंट्स एंड सिंबल्स, तो बर्थ ऑफ बुद्धा इसको सिंबलाइज किया जाता है लोटस एंड बुल से। ग्रेट डिपार्चर यानी कि महाभिनिष्क्रमण, लीविंग हाउस को डिनोट किया जाता है हॉर्स से। एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाणा, इसको बोधि ट्री या फिर पीपल ट्री से सिंबलाइज किया जाता है। एंड फर्स्ट सर्मन, पहला उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसको डिनोट किया जाता है व्हील से। एंड द परे निर्वाणा द डेथ इज सिंबलाइज विथ स्तूपाज। तो बर्थ लोटस, ग्रेट डिपार्चर यानी कि लीविंग होम इज हॉर्स, एंड निर्वाणा एनलाइटनमेंट पीपल और बोधि ट्री, फर्स्ट सर्मन व्हील, धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहते हैं, एंड एट लास्ट डेथ इट सिंबलाइज विथ स्तूपा। नेक्स्ट है कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स। सो देयर वर फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स। फर्स्ट इज हेल्ड इन राजगृह। एंड द फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट वर पैट्रोनाइज्ड बाय द अजात शत्रु एंड द प्रेसिडेंट वॉज महाकश्यप इन द ईयर ऑफ 483 BC। तो इस टाइम पे डेथ हुई थी। तो डेथ ऑफ बुद्धा के बाद ये काउंसिल रखी गई थी कि अब इस रिलीजन को कैसे चलाया जाए और इससे आगे क्या हो। तो इसलिए फर्स्ट काउंसिल रखी थी अजात शत्रु ने, जिसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। एंड ये राजगृह में हुआ था, अवध के राजगृह में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक ने रखवाई थी, इसके प्रेसिडेंट सबकामी थे, वैशाली में हुई थी 383 BC में। तो ये की गई थी आफ्टर 100 ईयर्स।
टू मेमोरेट कॉमेमोरेट द डेथ ऑफ बुद्धा आफ्टर 100 ईयर्स, 383 BC में। एंड थर्ड था अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में 2047 BC में। एंड देन फोर्थ था कनिष्क के टाइम पे कुंडलवन में 1st century AD में। तो ये चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं। अब ये जो बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था इन फोर्थ काउंसिल, महायाना एंड हीनयाना। सो महायाना लिटरली मीन्स ग्रेट व्हीकल एंड हीनयाना मीन्स लेसर व्हीकल। बुद्धा इज कंसिडर्ड एज गॉड इन महायाना सेक्ट, वाइल द बुद्धा इज कंसिडर्ड एज अ मैन इन हीनयाना सेक्ट। महायाना बिलीव्स इन सोल एंड रीबर्थ। ऑल्सो महायाना एम्फसाइज ऑन फिलेंथ्रोपी एंड सर्विस, इट्स ऑब्जेक्टिव इज द वेलफेयर ऑफ ऑल मैनकाइंड। नेक्स्ट है देयर प्रिंसिपल आर सिंपल एंड एक्सेसिबल, इन दिस द इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द कॉमन डिवोटीज अलॉन्ग विद द मॉन्क। तो ये महायाना है और हीनयाना एक लेसर व्हीकल है। बुद्धा को एक ग्रेट मैन मानते हैं और जो बुद्धा की ट्रू बिलीव्स थे उसको ये लोग फॉलो किया करते थे। बुद्धा को भगवान नहीं माना था, बुद्धा ने आइडलिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो यही काम इन्होंने किया है हीनयाना ने। तो दिस इज इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन, अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पर्सन शुड गेट सेल्वेशन थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। जबकि महायाना वाले लोग कहते हैं कि गॉड अवतार लेके आएंगे, जैसे कि बुद्धा आए थे, एंड ही विल लीड अस टू सेल्वेशन विदाउट एनी एफर्ट्स। बल्कि हीनयान वाले कहते हैं कि सेल्वेशन सो इट्स वे ऑफ वर्शिप इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड इट फॉलोज द मॉन्क लाइफ। इट एम्स टू अटेन अर्हत। इट्स मेजर सेक्ट आर वैभशिका एंड सौत्रंतिका। तो जो ये महायाना वाले लोग थे वो बोधिसत्व की पूजा किया करते थे। बोधिसत्व का मतलब है कि बुद्धा एज अवतार। सो इट्स मेजर सेक्ट आर शून्यवाद एंड विज्ञानवाद। तो और भी बुद्धिज्म के और भी सेक्ट्स हैं, तो मेन हमने पढ़े ये महायाना एंड हीनयाना। अभी टेक्स्ट हैं बुद्धिस्ट रिलेटेड और उनके ऑथर मिलिंद पन्हो, ये नागसेन ने लिखा है। बुद्ध चरिता एंड सौ दरंद, तो ये अशोक घोष ने लिखा है और ये भी है सरे पुत्र प्रकरण, ये भी अशोक घोष ने लिखा है। मध्यामी काकरिका, तो ये नागार्जुन ने लिखा है। एंड विशुद्धि मग्गा ये लिखा है बुद्धा घोष ने। अभिधम कोश लिखा है वसुबंधु ने। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अराउंड 130 देखिए। फिर उसके बाद करेंगे जैन रिलीजन। तो जैन से एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 53 है। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर शैव भगवत रिलीजन। तो फिर हमें देखना है 6th century BC की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, एंड देन ग्रीक इन्वेजन एंशिएंट टाइम में जो हुआ था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल कम विद आवर नेक्स्ट चैप्टर।